नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल मैथ इन हिंदी में। आज हम डिवाइड करने का रूल देखेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी हम किसी भी संख्या को, चाहे वो सीधी हो या उसमें पॉइंट्स में वैल्यू दे रखी हो, कैसे जल्दी से जल्दी उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको ट्रिक या फॉर्मूला आता भी है, तब भी आपको उन संख्याओं को सॉल्व करना होता है, तभी आप आंसर जल्दी टिक कर सकते हो। तो जितना जरूरी फॉर्मूला या ट्रिक है, उतनी ही जरूरी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना भी है। तो आज हम ऐसा यूनिक मेथड पढ़ेंगे कि जिससे आप किसी भी संख्या को भाग दे सकते हो, बिना किसी ट्रिक को याद रखे या एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को रट्टा लगाए बिना कैसे भाग देना है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा वीडियो को कि 882 है, इसमें भाग देना है 63 का। देखो, आप 63 ना मानो, इन दोनों को अलग अलग मान लो, 60 6 को अलग और 3 को अलग। देखो, अगर 6 का भाग देना हो तो यहां से क्या आएगा, 6 1 6 कितना बच गया, 2। 6 1 6 2 बच गया। अब देखो, अगर 6 की गुणा 1 से हो गई तो 3 की गुणा भी 1 से होगी, क्योंकि पूरे 63 की गुणा 1 से होनी है। देखो, ये इजी वैल्यू है, मैंने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले मैंने सिर्फ इजी वैल्यू ली है, उसके बाद 3 या 4 डिजिट की मुश्किल वैल्यू, और उसके बाद जो पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करनी है वो। तो एक ही वीडियो में लगभग 15 मिनट में हम आसान से लेकर मुश्किल से मुश्किल संख्या को इस मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, यहां 6 से किया 1 पर, 2 बच गया 28। देखो, 6 से 1 की गुणा हुई तो 3 से भी 1 की गुणा होगी, तो 3 1 3, तो यहां 28 था तो कितना बच जाएगा, 25। यानी 25 और 2 ये 252 है। अब देखो, 6 से किस पर जाएगा, 6 4 24 पर जाएगा, तो 6 चौका 24 कितना बच गया, 1 12, और ये 4 भी 3 से गुणा होगा, 4 3 12, और 12 ही बचा है, मतलब ये 14 पर डिवाइड हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 14। अगर देखो यहाँ 12 से फालतू होता तो आगे वैल्यू पॉइंट में आ जाती, बस इतना अंतर होता। और वैल्यू लेते हैं, दूसरी वैल्यू देखो, 2628 भाग किसका देना है, 73 का, दोनों को अलग अलग। देखो, 7 3 21 कितना बच गया, 5। अगर 7 से 3 की गुणा हो चुकी है तो 3 से भी होगी, 3 3 9, यानी 52 से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 43। अब देखो, 43 और ये 8, 438 बच गया, 7 6 42, 6 पर जाएगा, यानी 7 6 42 1 बच गया, 18, 6 3 18 कट गया, वैल्यू क्या आ गई, 36, यानी इसको डिवाइड करोगे 36 आएगा। नेक्स्ट, 68 60, देखने से ही पता लग रहा है 7 9 63, यानी किस पर जाएगा, 7 पर, 7 9 63 कितना बच गया, 5 बच गया। अगर 7 की गुणा 9 से हो चुकी है तो ये 8 पाकिस्तान से तो आया नहीं है, ये भी इसी का भाई है, तो इसके साथ भी इसकी गुणा होगी, 7 8 56, बचा हुआ 0 लिख दो, आंसर क्या आ गया, 70। बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन करनी होती है तो शांत रह के किया करो, ज़्यादा तेज बोलने से या ज़्यादा हाथ पैर मारने से कैलकुलेशन नहीं होती है, कैलकुलेशन शांत मन से होती है। तो बिल्कुल शांत रहते हुए मैथ को किया करो, कैलकुलेशन किया करो, ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात ध्यान क्या रखनी है, वो मैं आपको इस चौथी वैल्यू से समझाता हूँ। जैसे इतना आपको बस इसमें यही एक चीज़ ध्यान रखने वाली है जो इस मल्टीप्लाई में मैं बताऊँगा, बस बाकी इससे जो मर्जी डिवाइड आप कर लेना, आप उसको बहुत आसानी से कर जाओगे। अगर आपको ऐसी कोई भी वैल्यू मिलती है और आपको लगता है जी इससे डिवाइड नहीं हुई, वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं उसके लिए आपको स्पेशली दोबारा से वीडियो बना के बता दूंगा। आपको ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो इससे डिवाइड ना हो। जैसे अब बात क्या ध्यान रखनी है उस पर आते हैं। जैसे ये है 9992 7। अब देखो, यहां से आपको एक
हल्का सा आइडिया ये रखना है कि आप यहां से ये समझ सकते हो जी, 4 दूना 8 यानी ये किस पर जाएगा, 4 पर जाएगा। चलो ठीक है जी, ये बात मैं मान लेता हूं कि 4 पर जाएगा। 4 दूना 8 कितना बच गया, 1, यानी 9 था, 1 बच गया, यानी अब क्या रह गया, 19। अगर आप 2 की गुणा 4 से कर चुके हो तो 7 की गुणा भी 4 से की जाएगी, तो 7 चौका क्या आ गया, 28। मेरे पास वैल्यू क्या बची थी, 19, मतलब यहां तो 19 से वैल्यू 28 ज्यादा हो रही है, यानी ये वैल्यू ज्यादा जा रही है। इसका मतलब यहां तुरंत आपने क्या समझना है कि 4 ज्यादा हो गया जी, इससे 1 कम करना पड़ेगा, 3 पर जाएगा, क्योंकि वहां से वैल्यू ज्यादा हो रही है। या आप डायरेक्ट भी इसको समझ सकते थे कि ये लगभग देखो 27 की वैल्यू 27 है, अब 27 चौका तो 108 है, या हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट आप वैल्यू देखोगे तो 25 लगभग, मान कि अगर 25 से भी गुणा करूंगा 4 तो भी 100 हो जाएगा, 25 से गुणा करूंगा तो भी 100 हो जाएगा, तो 27 तो 99 से ज्यादा होगा। ऐसे आइडिया से भी समझ सकते हो, या आप जो मेथड लगाओगे, नहीं लगेगा तो एक कम, अब 3 पर जाएगा, 3 दूना 6 कितना बच गया, 3। अब अगर 3 की गुणा 2 से हुई है तो 7 से भी होगी, 7 या 21, 7 या 21 होगा तो कितना बच गया, 18। अब फिर वही ध्यान रखना है, अब यहां से देखने पर तो आप कह दोगे जी 9 दूना 18 है, 9 पर है, पर 9 दूना 18 है पर यहां तो 7 और 63 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूना 16 करोगे तो भी 2 बचेगा, 29, बस छोटी सी बात ये। तो यहां लगभग जो वैल्यू जाएगी जैसे 7 पर, तो 7 दूना 14 कितना बच गया, 4, और 7 7 49 यानी आ गई वैल्यू 37। एक तरीका जो सीधा सीधा होगा वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें भी जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी बड़ी आसानी से आप इनको सोल्व कर जाओगे। जैसे बाकी वैल्यू मैंने ऐसी लिखी है, अभी आपको इसको बताता हूं और अच्छे से कि क्या ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट वैल्यू हम इसमें लेते हैं जो मैंने लिखी हुई है, यानी यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 37। नेक्स्ट वैल्यू है 754/26। देखो 26, 25 दिया ही 75 होता है, मतलब 3 पर नहीं जाएगा, 2 पर जाएगा। देखो ये आप सोच रहे होंगे कि जी इसको तो वैसे ही कर लेंगे, 26 दूना 52, बिल्कुल कर लोगे, पर अभी हम सिर्फ तरीका सीख लेते हैं, बड़ी वैल्यू आएगी तो हम वो तरीका अप्लाई करेंगे तो दिक्कत ना आए। देखो अगर मैं 3 पर जाता कि 3 दूना 6 तो 1 बचता, मतलब 15 बच जाता यहाँ पर, और 6 या 18 यानी 15 से ज़्यादा हो गया तो आप समझोगे जी 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा तो 2 दूना 4 3 बच गया, 6 दूना 12 23 बच गया। अब यहाँ से आप देखोगे कि 260 लगभग आइडिया, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है आपको कि ये 234 है और ये 260 है, तो मैक्सिमम 10 से गुणा कर सकते हैं हम, तो यहाँ से वैसे अगर आप आइडिया लगाओगे कि 11 दूना 22 होता है, नहीं, मैक्सिमम मैं 10 पर गुणा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि मैक्सिमम 10 से करूंगा तो 260 आएगा, 9 पर जाएगा, 9 दूना 18 5 बच गया, 6 नीमा 54 इस तरीके से कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 29। जैसे इससे और अच्छे से आप समझोगे, वैल्यू क्या है, 25/92/48 6 चौका 24 होता है, 24 होगा पर 1 बचेगा, 19, और यहाँ 8 छक्का 48 ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 पर नहीं जाएगा, 5 पर जाएगा, 5 चौका 20 कितना बच गया, 5 बच गया, यानी 59, 8 5 40 कितना बच गया, 19, 192 बच गया। अब ये किस पर जाएगा, 4 पर, 4 चौका 16 3 और 8 चौका 32 आंसर आ गया आपका 54। लास्ट जो वैल्यू है कि 13,680 में भाग देना है 38 का। देखो फिर यहाँ देखते ही आपके दिमाग में आ सकता है जी 4 पर जाएगा, 4 3 12 यानी बचेगा कितना, 1, 16 बचेगा और 32 ज्यादा हो रहा है, यानी 4 पर नहीं जाएगा, 3 पर जाएगा, 3 3 9 बच गया कितना, 4, 8 3 24 बच गया कितना, 22। यहाँ से देखोगे कि 7 3 21 होता है पर 18 बचेगा, नहीं, 6 पर जाएगा, 6 3 18
चार बच गया, आठ छीका 48 कट गया, बची हुई जीरो यहां लिख दोगे आंसर आ जाएगा 360। तो ये तो था इसका तरीका। अब हम इसमें मुश्किल वैल्यू लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास मैंने ये 6-7 वैल्यू लिखी है। देखो तीन डिजिट का भाग है, यहां चार डिजिट तक का भाग है, जो कि आप इस मेथड से बड़ी आसानी से कर सकते हो। अभी आपके सामने जैसे पहली वैल्यू है 36,540 और भाग किसका देना है 522 का। देखो अब यहां से समझ आओगे आप किस पर जाएगा, एक एक वैल्यू अलग अलग, 7 5 35 कितना बच गया 1, 7 2 14 1, 7 2 14 कट गया, आंसर क्या आ गया 70। देखो यहां से आपको ऐसे लिखा होता है, यहां से भी समझ सकता हूं तीनों को अलग, 7 5 35 15, 7 2 14 1, 7 2 14 जीरो का जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 63, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूँ, 63,450/235। देखो यहाँ आप इससे वैसे भी समझ सकते हो कि 235 है और यहाँ 634 है, यानी 3 से गुणा करूंगा तो 7 से ऊपर चला जाएगा। या अगर बाई चांस आपके दिमाग में यह आता भी है 3 2 6, तो नेक्स्ट स्टेप में ही आप समझ जाओगे 3 पर नहीं जाएगा, क्योंकि 3 2 6 3 3 9 ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा है तो मतलब 2 पर जाएगा। 2 2 4 कितना बच गया 2, यानी ये 23 हो चुका है। अब 3 2 6 6 माइनस करोगे तो कितना बच गया 17, और 5 2 10 5 2 10 करोगे तो वैल्यू कितनी बच गई 164। अब दोबारा से वही प्रोसेस, ये देखो किस पर जाएगा 8 पर, 8 पर जाएगा तो 8 2 16 4 बच गया, ये इस तरीके से करोगे तो नहीं जा पाएगा क्योंकि वैल्यू कम रह गई, तो किस पर जाएगा 7 पर। देखो आगे 1 6 4 5 वैल्यू रह चुकी है, तो 7 2 14 कितना बच गया 2, 7 3 21 कितना बच गया 3, अब 35 रह गया और 7 5 35 कट गया, जीरो की जीरो आ गई। तो कैलकुलेशन का इसका जो आंसर आ जाएगा 270 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखो यहां लिखता हूं 39,74,40, यानी 3,97,440 में 864 का भाग देना है। देखो 8 और 39 तो 8 4 32 तो कितना बच गया 7, 6 4 24 तो कितना बच गया 53, 4 4 16 5 34 से माइनस करोगे तो वैल्यू बच जाएगी 18, यानी 518 आपके पास वैल्यू बच गई। आप आगे देखोगे कि 51 84 है तो 8 पर जाएगा, 8 6 48 3, 6 6 36 2 24 बच गया, 6 4 24 कट गया जीरो, यानी आंसर आ गया 640 और इस वैल्यू का आंसर होगा 640। नेक्स्ट 27,821 में 647 का भाग देना है। पहले देखो 6 का किस पर जाएगा 4 पर, 6 4 24 3 बच गया, 4 4 16 38 से माइनस करोगे तो 22 बच गया, 7 4 28 22 से माइनस करोगे तो 22 तो ये माइनस हो गया, 6 और माइनस होगा तो 194 बच गया। आगे देखोगे कि 6 3 18 1 बच गया, 4 3 12 2 बच गया और 7 3 21 कट गया, तो आंसर आपका आ जाएगा 43। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं कि क्या रहेगा, आपके पास वैल्यू है 32,78,72, यानी 3,27,872 में आपने भाग देना है 752 का। देखो यहां से देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा 7 7 4 28 28 पर जाएगा तो कितना बच गया 4, अब 7 की 4 से गुणा हो चुकी है तो 5 से भी होगी, 5 4 20 20 है तो यहां 47 है, कितना बच गया 27,
और 4 दूना 8 तो 278 में 8 गया तो कितना बच गया 270। आगे आप देखोगे कि 7 तिया 21 27 है तो 660 बच गया, 5 तिया 15 तो 60 में से 15 करोगे 45 बच गया, यहाँ से ये 72 मैं इधर भी लिख देता हूँ ठीक है। और उसके बाद 3 दूना 6 यानी 3 डिजिट थे तो 6 तो 451 बच गया। आगे 45 है तो देखने भी पता लग रहा है 7 छिका 42 3 5 छिका 30 1 बच गया और 6 दूना 12 कट गया, आंसर आ गया 436। दो वैल्यू और हैं, नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 1,10,816 और भाग देना है 3463 से ठीक। तो देखो 4 डिजिट है, इसको अलग अलग चारों को मानो, देखो किस पर जाएगा 3 तिया 9 यानी 3 पर जाएगा, 3 तिया 9 कितना बच गया 2, फिर 4 पर जाएगा 4 तिया 12 ये 20 है तो कितना बच गया 8, फिर 6 पर जाएगा 6 तिया 18 88 है, 18 माइनस हो जाएगा तो कितना बच गया 70 यानी 701 बच गया, और 3 तिया 9 माइनस करोगे तो वैल्यू रह गई 692। अब 3 है और ये 6 है, 3 दूना 6 4 दूना 8 मतलब 1 6 दूना 12 और 3 दूना 6 कट गया, आंसर आ गया आपका 32। 4 डिजिट तक बड़ी आसानी से आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 3,28,649 और भाग देना है 7643 यानी 7643 का आपने भाग देना है, वही तरीका चारों को अलग अलग, 7 चौका 28 कितना बच गया 4, 6 चौका 24 48 है तो 24 माइनस करोगे तो कितना बच गया 24, 4 चौका 16 अब 246 में से 16 माइनस करोगे 230 और 4 तिया 12 अब जो आपके पास है 2304 में से 12 माइनस करोगे तो 8 और माइनस हो जाएगा 2292 प्लस माइनस आपका तेज होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे कि 22 है तो 7 तिया 21 एक बच गया, 6 तिया 18 एक बच गया, 4 तिया 12 कट गया और 3 तिया 9 कट गया, आंसर आ गया आपका 43। इतनी बड़ी वैल्यू भी आप इस मेथड से कर सकते हो जिसकी जरूरत नहीं है, मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वैल्यू को भी आप डिवाइड कर सकते हो, पर आपको जो एग्जाम में छोटी छोटी वैल्यू यूज होती हैं इससे प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से ऐसे टिप्स पर वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब एक चीज इसमें और रह जाती है इंपॉर्टेंट कि अगर पॉइंट आ जाए, आंसर पॉइंट में आ रहा हो या पॉइंट में ही वैल्यू दे रखी हो तो भी ये तरीका आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। कुछ वैल्यू मैं पॉइंट्स वाली यहां और लिख लेता हूं। तो नेक्स्ट कुछ मल्टीप्लाई की वैल्यू लिखी है जिनमें पॉइंट है, यानी अगर वैल्यू जैसे डिवाइड किया गया तो ये पॉइंट में है या डिवाइड करने वाली वैल्यू भी पॉइंट में है, तो इन मल्टीप्लाई को तो जो नेक्स्ट डिवाइड की मैंने वैल्यू लिखी है उनमें या तो आंसर पॉइंट में आएगा या वैल्यू ही पॉइंट में है, जैसे ये पॉइंट में है जैसे डिवाइड कर रहे हैं वो भी पॉइंट में है, तो ये भी उसी तरीके से ही डिवाइड हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट की कोई भी संख्या हो उसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे 35 में मैं 7 का भाग देता हूं तो आपको पता है क्या आएगा 5 आएगा। अब देखो अगर यहां मैं ये लिख दूं कि 3.5 में भाग देना हो या 0.35 में भाग देना हो या 3.5 में 0.7 का भाग देना हो या 35 में 7 का भाग देना हो या 3.5 में 0.07 का भाग देना हो, पॉइंट का मतलब देखो क्या होता है कि इस पॉइंट को हटाओगे तो जीरो लगेगा, फिर उस जीरो को कट करोगे तो ऊपर पॉइंट लगेगा, इससे अच्छा आप इस पॉइंट को एक बार इग्नोर कर दो, ये काट दो सीधा सीधा 5 पर, ये पॉइंट था ये पॉइंट लगा दिया, ये 7 इससे काट दिया, ये पॉइंट 2 पर था तो 2 पर पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा।
यानी देखो ये पॉइंट हटाओगे तो दो जीरो लगेगी, ये काटोगे पांच पर, और जब ये दो जीरो कैंसिल करोगे तब भी तो पॉइंट ही लगेगा। यहां इस पॉइंट को एक बार भूल जाओ, सीधा सीधा पांच पे कट कर दो। अब पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो लगा दो, क्योंकि 35 में अगर पॉइंट सात का भाग दोगे, पहले पॉइंट हटाओगे तो जीरो लगेगा, बात तो वही है। अब देखो यहां दो पॉइंट है, यहां एक पर पॉइंट है, यहां दो पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटाओगे तो ये एक पॉइंट कैंसिल हो जाता है। जैसे 3.5 है, ये पॉइंट हटाया एक जीरो, ये पॉइंट हटाया दो जीरो, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो का एक पॉइंट रह गया, बाकी वैल्यू सेम है, पाँच है, पॉइंट का एक लग गया जीरो। यानी पॉइंट इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो। आप जीरो लगा दोगे उसका सीधा सीधा। इस पर आते हैं कि क्या कैसे करना है। जैसे 1173 में भाग देना है 46 का, वही किस पर जाएगा, चार दूनी आठ, तीन बच गया, यानी चार दूना आठ है, तीन बच गया, छः दूना बारह कितना बच गया, 25। अब आगे आप देखोगे कि 6 चौका 24, 13 बचेगा, 6 से नहीं जाएगा, यानी 5 पर जाएगा, 5 चौका 20, 5 बच गया, 5 छक्का 30, तो वैल्यू बच गई 23। यानी आप 25 से डिवाइड कर चुके हो, 23 बच गया। अब आपको पता एग्जैक्ट नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा ज़ीरो, फिर वही 5 पर जाएगा, 5 चौका 20, 3 बच गया, और 5 छक्का 30, यानी वैल्यू आ गई आपकी 25.5। वैसे ही 2535 में भाग देना 78 का, तो 7 तिया 21, 4 बच गया, 8 तिया 24, बस 8 तिया 24 माइनस करोगे तो वैल्यू बच गई 19। फिर 7 दूनी 14 कितना बच गया यहाँ पर, 5, 8 दूनी 16, 55 से 16 माइनस करोगे 39 बचेगा। यानी अब डिवाइड नहीं होगा, जीरो लग जाएगी, मतलब पॉइंट लग गया। 7 5 35, 4 बच गया, 8 5 40, आंसर जो आपका आ गया वो आ गया 32.5। क्लियर है। इसी तरीके से जैसे नेक्स्ट वैल्यू है 7605.9 में भाग देना है 243 का, इस पॉइंट को एक बार भूल जाओ, क्योंकि देखो ये पॉइंट हटाऊंगा जीरो लगेगी, बाद में जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लगेगा, इसको एक बार इग्नोर कर दो, भाग दे दो, लास्ट में जो आंसर आएगा वहां एक पर पॉइंट लगा देना, समझ रहे हो। इसको देखो, अगर मैंने यहां से कैंसिल किया तो लिख दिया बटा 10, अब इसका भाग दिया, जो आंसर आएगा उसमें इस 10 का एक पॉइंट ही तो लगाऊंगा, तो ये चीज मैं अपने दिमाग में भी रख सकता हूं कि इस पॉइंट को लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। देखो 3 पर जाएगा, 3 दूना 6 1, 4 तिया 12 4, 3 तिया 9 31 बच गया, उसके बाद फिर 1 पर जाएगा, 2 1 2 1 बच गया, 4 1 4 7 बच गया, और 3 1 3 72 बच गया। बाद में फिर 3 पर जाएगा, 3 दूना 6 1, 4 तिया 12 3 तिया 9, यानी 313 पर कट गया। ये वैल्यू 313 पर कटी है, पर एक पॉइंट था इसलिए आंसर आ गया 31.3। पॉइंट को आप लास्ट में लगा दोगे। जैसे और वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास 3662.4 में भाग देना है 7 6 3 का, वही एक पर पॉइंट है, इसको इग्नोर करो, लास्ट में जो वैल्यू आएगी वहां पॉइंट लगा देंगे। देखो 5 पर जाएगा, 7 5 35 16 बचेगा, हमें पता है 5 6 का 30 16 से ज़्यादा होता है, 5 पर नहीं जाएगा, 4 पर जाएगा, 7 चौका 28 कितना बच गया, 8, 6 चौका 24 24 माइनस करोगे 86 में से तो वैल्यू आ जाएगी 62, 4 3 12
622 में से 12 माइनस करोगे 610 रह गया। अब आप देखोगे कि यहाँ से 7 8 56 8 पर जाएगा, 7 8 56 5 बच गया, 8 6 48 2 बच गया और 8 3 24 48 पर कट गया, एक पर पॉइंट था इसलिए आंसर आ गया 4.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है कि 3 3 3 7 2 और डिवाइड करना है। अब देखो ये एक पॉइंट है, ये दो है, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो लगेगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ दो जीरो लगेगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, बच गया क्या एक जीरो, वो भी बटा में। तो मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ कि इस पॉइंट के स्थान पर एक पॉइंट कैंसिल कर दो, यहाँ सिर्फ क्या बच गया एक पर पॉइंट बच गया बस, क्योंकि एक से एक कैंसिल हो गया, एक पर बच गया, ये वही तरीका आ गया। इसको लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे, 5 पर जाएगा, 5 6 30 3 बच गया, 5 1 5 28 बच गया, 8 5 40 87 में से 40 माइनस करोगे 47 बच गया 200। फिर यहाँ से 4 पर जाएगा, 6 चौका 24 4 1 4 3 और 8 चौका 32 यानी 54 पर कट गया, और एक पर पॉइंट था तो वैल्यू आ जाएगी 5 पॉइंट। और इस तरीके से हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू है 202.32, डिवाइड करना है 56.2 से। तो वही तरीका, यहाँ दो पर पॉइंट है, यहाँ पर एक, ये हटाएंगे तो ये यहाँ हटकर सिर्फ रह गया एक पर, कैलकुलेट लास्ट में करना है। यहाँ से समझ आ रहा है कि 4 से जाएगा, 5 चौका 20 पर 6 चौका 24 ये सिर्फ 2 रह गया, ये 2 रह गया मतलब 3 पर जाएगा, 5 3 15 5 6 3 18 18 माइनस करोगे तो 32 और 2 34 रह गया, और 3 2 6 43 से माइनस करोगे तो 337 रह गया। प्लस माइनस आपका फास्ट होना चाहिए। आगे आप देखोगे कि ये सीधा सीधा 6 पर जाएगा, 5 6 30 3 बच गया, 6 6 36 1 बच गया, 6 2 12 यानी किस पर कट गया 36 पर कट गया, 36 पर कट गया पर एक पर पॉइंट था यानी यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3.6। क्लियर है? नेक्स्ट तीस 9 1 7 में भाग देना है 71.9 का। देखो एक पर पॉइंट हटेगा तो इधर भी एक से कम हो जाएगा, यहां से आपने भाग देना है तो देखो 7 इसको एक बार इग्नोर कर दो, जो आंसर आएगा वहां दो पर पॉइंट लगा देंगे, तो 7 चौका 28 2 बच गया, 4 1 4 25 बच गया, 9 4 36 तो 14 और 1 15 बच गया, 215 बच चुका है। नेक्स्ट 7 3 21 3 1 3 2 और 9 3 27 43 पर कट चुका है, पर आपको पता है 2 पर पॉइंट लगाना है तो आंसर हो जाएगा 0.43। वैसे भी समझ सकते हो, देखो 30 में भाग, एग्जैक्ट वैल्यू क्या 30 पॉइंट कुछ है, मतलब 30 में भाग देना है किसका 71 का, 30 छोटी है 71 का भाग दे रहे हैं तो वैल्यू तो कम आएगी, ये बाद में हमने पॉइंट लगाना है, बड़ी आसानी से हो जाएगा, तरीका वही रहेगा बस पॉइंट को समझना है। नेक्स्ट 2.5312 डिवाइड करना है 04। ये देखो 1 2 3 पॉइंट है तो 1 2 3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ किस पर रह गया एक पर रह गया, और इसको भी हमने लास्ट में कैलकुलेट करना है, पहले इसको एक बार भूल जाओ। 6 पर जाएगा, 6 चौका 24 1 बचेगा, 13 5 6 30 ज्यादा होता है, 6 पर नहीं जाएगा, किस पर जाएगा 5 पर, 5 चौका 20 कितना बच गया 5, क्योंकि 20 है 25 है तो 5 बच गया, 5 5 25 तो 25 और 3 कितना बच गया 28, 5 2 10 281 में से 10 माइनस करोगे वैल्यू बच गई 271। आगे देखो फिर 6 पर जाएगा, 6 चौका 24 3 5 6 का 30 1 बच गया और 6 2 12
छप्पन पर कट गया, एक पर पॉइंट लगाना था तो वैल्यू आ गई 5.6। तो इस तरीके से कोई भी संख्या हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो आपको 3 डिजिट में दे रखी हो, 4 डिजिट में दे रखी हो, इस तरीके से किसी भी संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं। भाग करने का सबसे सही, आसान और सबसे पुराना, जिसको हम कहते हैं वैदिक मैथ, वो तरीका यही है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इससे प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपका डिवाइड फास्ट होता रहेगा। फिर भी अगर कोई ऐसी संख्या जो आपसे डिवाइड इस मेथड से नहीं हो रही है, वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो।